तो दोस्तों अभी स्थापना दिवस है, आप देख रहे हैं कितना अच्छा से आयोजन हुआ है इसका। तो चलिए थोड़ा इसका ओवरव्यू लेते हैं ये स्टूडेंट सबसे, और सर वगैरह अगर कोई फैकल्टी मिलते हैं तो उनसे बात करेंगे हम लोग। तो चला जाए, अभी अयान और सुमित भी हमारे साथ हैं, अभी चल रहे हैं। देखिए क्या डेकोरेशन हुआ है, ये हमारा सभागार है और यहाँ पे लगभग सभी कोई आए हुए हैं, जितने एलुमिनी हैं हमारे और साथ में स्टूडेंट्स वगैरह सीनियर वगैरह जिनका बहुत अच्छा प्लेसमेंट हुआ है। दोस्तों अभी हमारे बीच में बबीता मैम हिंदी फैकल्टी से हैं, तो मैम अभी बताएंगी कि स्थापना दिवस के बारे में कुछ, इनका हिस्ट्री क्या है स्थापना दिवस के पीछे की कुछ कहानी क्या है। तो मैम आप बताइए ज़रा। गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना महर्षि श्रद्धानंद जी ने 121 साल 1901 में कांगड़ी ग्राम में की थी। उसके बाद उन्होंने 1903 में यहाँ पर स्थापित किया, और यहाँ पर वैदिक शिक्षा दी जाती है, संस्कृत मेन यहाँ पर है, और अब तो यहाँ पर सभी विषयों की शिक्षा दी जाती है। और यहाँ पर मुख्य उद्देश्य क्या है, इदम राष्ट्राय इदम नमः, अर्थात जो भी मेरा काम है इस दुनिया में, जो भी मैं कर रहा हूँ, वो मैं अपने देश के लिए, अपने मतलब जगत के कल्याण के लिए यहाँ पर शिक्षा दी जाती है। यहाँ पर शिक्षा का उद्देश्य दो होते हैं, एक शिक्षा का उद्देश्य होता है ज्ञान प्राप्त करना, और दूसरा शिक्षा का उद्देश्य होता है धन की प्राप्ति, जो जीवन के लिए अनिवार्य है। तो यहाँ पर दोनों उद्देश्य पूरे होते हैं, और ये संस्थान विश्व में प्रसिद्ध है। आप कहीं भी विदेश में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे तो इसकी प्रसिद्धि इतनी है कि गुरुकुल के नाम से ही आपको मतलब लोग आपको सम्मानित करेंगे कि आप गुरुकुल से पढ़े हुए हैं, इस तरह का है। धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद जी। जी, गुड आफ्टरनून सर। सर बताइए थोड़ा स्थापना दिवस के बारे में, ये जो इतना अच्छे तरीके से मनाया जाता है, तो यहाँ पे सब स्टूडेंट लगभग देखेंगे इस वीडियो के, तो आप बता दीजिए थोड़ा इसके बारे में। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय 1902 में स्वामी श्रद्धानंद जी ने स्थापित किया था। यस, लॉर्ड मैकाले की विदेशी शिक्षा नीति के विरोध में, जिससे कि भारतीय भाषा में शिक्षण दिया जा सके और हमारी भारतीय संस्कृति की रक्षा की जा सके। कांगड़ी के उस पार है, वहाँ 1902 में 4 मार्च को स्थापित किया गया था। कई सालों में बाढ़ में नष्ट होने की वजह से यहाँ बिजनौर के एक इन्होंने चौधरी अमन सिंह ने अपनी ज़मीन दान दी। इसके बाद ये 1962 में गुरुकुल कांगड़ी को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला संसद के द्वारा, और तब से यह संस्था निरंतर भारतीय संस्कृति के अनुसार कार्य कर रही है और चल रही है। कालांतर में इसमें नई विधाएं, जिसमें MBA, इंजीनियरिंग, बीफार्मा इत्यादि का समावेश हुआ, जिससे भारतीय संस्कृति से ओत प्रोत इंजीनियर और मैनेजमेंट का शिक्षण दिया जा सके, और एक सुदृढ़ भारत की रचना में गुरुकुल हमेशा योगदान देता रहा है, आगे भी योगदान देता रहेगा। आज हम स्थापना दिवस मना रहे हैं, और स्थापना दिवस में हम सभी जो नए बच्चे आते हैं, जिनको इस गुरुकुल के बारे में जानकारी नहीं होती है, उनको हम जानकारी देते हैं, जिससे श्रद्धानंद के सिद्धांतों के अनुरूप वो व्यवहार कर सकें, और जिस क्षेत्र में भी जाएं हमेशा गुरुकुल का नाम, भारतीयता का नाम, भारत का नाम ऊँचा रख सकें, जिससे उनको भारतीय होने पर गर्व महसूस हो सके। इसी उद्देश्य से आज ये कार्यक्रम किया जा रहा है। ठीक है, धन्यवाद सर। तो अब हमारे बीच बाल्यान सर हैं, जो कि हमारे फिजिकल ट्रेनिंग के बहुत ही अच्छे टीचर हैं। तो सर अब कुछ बताएंगे हमारे स्थापना दिवस के बारे में, तो सर बताइए थोड़ा। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना अंग्रेजी सभ्यता या पश्चिमी सभ्यता मेड काले की एजुकेशन के विरोध करते हुए या उसका समर्थन न करते हुए की गई। गुरुकुलीय एजुकेशन सिस्टम गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय ने सर्वप्रथम शुरू किया। 1902 में स्वामी श्रद्धानंद ने स्वामी दयानंद सरस्वती से प्रेरणा लेकर कांगड़ी गांव में गुरुकुल की स्थापना की,
जो आप गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के नाम में कांगड़ी देखते हैं, दैट इज़ द नेम ऑफ विलेज, कांगड़ी विलेज है। उसके बाद में यहाँ पर आया और 1902 में स्वामी जी ने वेद और विज्ञान को लेकर कार्य किया। वहाँ पर आपकी केमिस्ट्री लैब है, वहाँ पर आपकी फिजिक्स लैब है, वहाँ पर आपके मैथमेटिक्स के आपके आपको मिलेगा, वहाँ पर जाएंगे और वो बहुत अच्छा स्थान है, तीर्थ है वो एक गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम के लिए। और मैं तो उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ, बार बार वहाँ पर जाता रहता हूँ। और उसके बाद में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय यहाँ पर इस विशेष परिस्थिति के कारण यहाँ पर फिर आया, फिर चौधरी अमन सिंह जी ने यहाँ पर पूरा इसको लैंड दिया और फिर ये बनाया गया, सबके दान से ये संस्था बनाई गई 1962 में। फिर इसको जाकर भारत सरकार से विश्वविद्यालय की मान्यता के साथ साथ राजस्व की प्राप्ति हुई, जबकि स्वामी जी को राजस्व अंग्रेज लोग देना चाहते थे, गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी के स्वामी जी ने मना कर दिया और उन्होंने गवर्नमेंट से अंग्रेजों से ग्रांट नहीं, अनुदान नहीं लिया, है ना। तो यही इन्हीं शब्दों के साथ में बहुत लंबी कहानी है जिसको 2-4 मिनट में नहीं बताया जा सकता। आप अगर इसको जानना चाहते हैं तो गुरुकुल कांगड़ी में जो ग्रंथ लिखे गए हैं, चाहे वो मेरे पिता है या स्वामी शारदानंद हैं, उनको निश्चित रूप से उनका अध्ययन करें, आपको पूरा उसको जानने को मिलेगा। और सर इनका विपिन सर से कुछ, और यहाँ पे हमारे विपिन सर हैं और विपुल सर हैं, सर हमारे बताएंगे स्थापना दिवस के बारे में कुछ, इसी डिपार्टमेंट के हेड। ठीक है, तो सर आप बताइए कुछ। दोनों भाई मेरे बड़े भाई बता चुके हैं, लॉर्ड मैकाले जो अंग्रेज़ों के दिशा निर्देशन में काम कर रहे थे कि भारत पर कैसे शासन किया जाए, तो उन्होंने अपने शोध में पाया जब तक यहाँ की संस्कृति और यहाँ का भाषा है तब तक आप इस पर असर नहीं डालेंगे या इसको नहीं बदलेंगे तब तक आप इस देश पर शासन नहीं कर सकते। यही उनका अपना लक्ष्य था कि इस देश की संस्कृति, भाषा, यहाँ की शिक्षा को बदल दिया जाए और उनको भारतीयों को अंग्रेजों का फॉलोअर बना दिया जाए, उससे ही अपने आप को सम्मान महसूस करें कि हम अंग्रेजी शिक्षा पढ़ रहे हैं, तब हम इन पर शासन कर सकते हैं। तो इसको दरकिनार करने के लिए भारतीयों को फिर से अपनी भारतीयता पे सम्मानित अनुभव करें ऐसा स्थापित करने के लिए स्वामी शारदानंद जी ने बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ा, ये बहुत बड़ा जैसे कहते हैं कार्य उन्होंने शुरुआत की जो आगे ये हमेशा फलता फूलता गया और आज इस स्थिति में पहुंचा है। तो इस दिन को याद करने के लिए और इस कर्म को जो शारदानंद जी ने जो संकल्प लिया था उसको लेके आगे बढ़ने के लिए स्थापना दिवस हम मनाते हैं बड़े हर्षोल्लास के साथ। इसी शब्दों के साथ मैं सभी को इस दिवस की बधाई देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। आज का स्थापना दिवस है तो आज के दिन क्या क्या प्रोग्राम आयोजन किया गया है? विभिन्न अतिथियों को बुलाया गया है, चीफ गेस्ट जो देश के शिक्षा मंत्री थे रमेश पोखरियाल निशंक जी, उनको बुलाया गया है, और भी अतिथि लोग आए हैं जो अपने अपने विचार, अपने अपने जैसे कहते हैं जीवन का अनुभव छात्रों के साथ शेयर कर रहे हैं जिससे उनको भी कुछ प्रेरणा मिल सके। एनईपी के बारे में निशंक जी ने बताया कि गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की शिक्षा से प्रभावित होकर शारदानंद जी की जो नीति थी, जो विचारधारा थी, जो विज़न था, उससे प्रभावित होकर ही भारत सरकार ने एनईपी की शुरुआत की है, अब वो गुरुकुल की दिशा में ही इसको ले जाना चाहते हैं। थैंक यू सर। तो अब दोस्तों चलते हैं सभागार के अंदर में और थोड़ा आप वहाँ का देखिए टूर क्या क्या प्रोग्राम वगैरह हो रहे हैं, तो अभी चलिए मेरे साथ आइए। अभी यहाँ पे देख सकते हैं सभी स्टूडेंट्स वगैरह आए हुए हैं, अलग अलग फैकल्टी के स्टूडेंट्स सब हैं यहाँ पे और प्रोग्राम वगैरह यहाँ पे हो रहा है। अभी देख लीजिए मसूरी का एक कॉलेज आया था और उन्होंने कहा कॉपियाँ खरीदी गई, एक महीने उन लड़कों को खिलाया गया और जब जब मसूरी का वो कॉलेज आया तो 3 गोल से वो मसूरी का कॉलेज आ गया। उससे पहले लड़के क्या करते थे आपने देखा, बांस होता था, बांस टुकड़ा होता था, हॉकी जैसा था, उससे खेलते थे। और उसी हॉकी से मुझे घटना याद आ रही है, हॉकी लोग बच्चे खेल रहे थे, अभ्यास कर रहे थे, एक लड़के ने हिट मारी,
चारों ओर जंगल था वो बहुत। इस संस्थान को आपकी ऊर्जा की आवश्यकता है, आपकी उत्तरदाता की कोई आवश्यकता नहीं है। अधूरा है, मैं वो भाव रखता हूं। जब तक चंदा चमकेगा सूरज में लाली होगी, हम उजियारे लाएंगे। आखिरी पंक्ति है, आपकी एक एक व्यक्ति की तालियां चाहता हूं। जब तक अभी नहीं, जब तक चंदा चमकेगा सूरज में लाली होगी, हम उजियारे लाएंगे। रातें बेशक काली होगी, ये ध्वजा हमारी, ये छात्रों को हिंदी, संस्कृत, भारतीय व्यंजन, भारतीय जो हमारा मैथिली चैनल सर यद करोति तद अभी विचार रहे थे, या कभी विचार रहे थे तब संकल्प में थे, यद करोति तद संकल्प देते। व्यक्ति संकल्प में है, जैसा विचार आकर उसके मन में, ऐसे संकल्प आपने, जैसा संकल्प करता है वैसे काम करता है, और जैसा काम करता है वैसा बन जाता है। तो दृढ़ संकल्प, अच्छे विचार हमारे मन में आए, इसलिए महापुरुषों की जीवनी, महापुरुषों का संसद, महापुरुषों के जीवन का दर्शन का विवेचन, विश्लेषण, चिंतन, मनन, ये हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाएगा। आज हम वही करते हैं जो जानते हैं, वही सोचते हैं जो जानते हैं। तो श्रेष्ठ ज्ञान वेद ज्ञान है। वेद ज्ञान से अपने आप को संपन्न बनाए, वेद ज्ञान के परिप्रेक्ष्य में अपने जीवन यात्रा को चलाए और श्रेष्ठ से श्रेष्ठतर काम करें। संस्कृत का छोटा सा श्लोक है, परिवर्तन संसारे विपह को बार जाए। इस परिवर्तनशील संसार में सभी मरे हुए जन्म लेते हैं।